दोस्तों मैंने डिग्री को लेके एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने आज ही अपलोड किया था। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी भाई के तो हिंदी में नाम उसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसी के यहाँ पे इंग्लिश में जो नाम दिया उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे ठीक करवाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है उपरोक्त विवरण सही है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका विवरण जो भी आपकी जानकारी वो सही है तो यहाँ पर यस करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं यस और नो का। तो यहाँ पे अगर सही है तो यस पे क्लिक करके और यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन इस पर यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है आपका काम हो गया। अगर आपकी जानकारी नाम वगैरह कोई प्रॉब्लम आ रही है सही नहीं है तो यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करो और यहाँ पे नो पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे नो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है उपरोक्त विवरण सही है, तो यस सेलेक्ट करें। यदि कोई संशोधन करेक्शन करवाना चाहते हैं तो नो करें। तो यहाँ पर हमने नो कर दिया कि हमारे नाम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और अपलोड फोटो आईडी, यहाँ पे दोस्तों आप नीचे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए अपलोडिंग फ़ोटो डॉक्यूमेंट ऑप्शन के द्वारा ऑनलाइन ही अपलोड करें और साथ में आईडी प्रूफ भी यहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों अब करना क्या होगा, जो आपका रिजल्ट यहाँ पर डिग्री वाला शो कर रहा है इसका प्रिंट लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट लेके यहाँ पे नो कर देना और प्रिंट लेके और जो आपका नाम में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अपना नाम वो यहाँ पे साइड में आप टाइप कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि मेरा सही नाम यह है और फिर आपको उसको स्कैन करना होगा। आप अपने मोबाइल से गूगल ड्राइव से स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद में PDF बना के और यहाँ पर इसमें आपको डॉक्यूमेंट में चूज फाइल पर क्लिक करके और इसको यहाँ पर सबमिट करना होगा। यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन में आके और आपकी जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके और इसमें डाल देना। उसके बाद में एक आपकी फ़ोटो है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, तो यहाँ पे इसमें क्लिक करो और फ़ोटो यहाँ पे फाइल में जाके आपके जहाँ पे फ़ोटो मिलती है वहाँ पे इसको डाल दो और उसके बाद में नीचे आना है और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है तो यहाँ पर सबमिट कर देना। बस इतना काम करना है, फिर यहाँ पर जो भी त्रुटि वगैरह वो सही कर देंगे और यहाँ पर फिर से जारी कर देंगे, फिर आप देख लेना। अब दोस्तों जो नहीं कर रहे हैं जिनके नाम में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है वो फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपकी जानकारी शो हो रही है उसी के आधार पर आपकी डिग्री है वो जारी कर दी जाएगी। फिर इसका ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, विश्वविद्यालय ज़िम्मेदार नहीं होगा और फिर आपको काटने पड़ेंगे चक्कर विश्वविद्यालय के, वो सही करें नहीं करें वो अलग बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये अपलोडिंग सपोर्टिंग का ऑप्शन है यहाँ पर आपको शो होगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी बहुत स्टूडेंट के तो मैंने आपकी सॉल्व की है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।